शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। करारविन्देन परामृशन्तं पद्माक्षमालां शिवरूपिणन्तं पीताम्बराध्याननिमग्नचित्तं श्रीस्वामिनं राष्ट्रगुरुं स्मरामि। आज हम यहाँ आपके समक्ष एक विशेष करामाती, चमत्कारी और करिश्माई सिंदूर बनाने की विधि का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। यह एक दुर्लभ प्रकार का सिंदूर है, इसमें कई वस्तुएं, कई सामग्री और सभी सामग्री सिद्ध की हुई मिला करके इसको बनाया जाता है। और इसकी यह विशेषता रहती है कि इसकी तासीर और असर कामिया सिंदूर, जो कामाख्या से सिंदूर प्राप्त किया जाता है, उससे भी कई गुना बहुत ज़्यादा इसकी ताकत रहती है। और इस सिंदूर की यह विशेषता रहती है कि यह जो तंत्र के छह कर्म हैं, छहों कर्मों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किया जा सकता है। तो मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद, महाभारत के पराक्रमी योद्धा, अर्जुन का वंशज और महाभारत के अंतिम सम्राट दिल्लीपत महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी अपने स्वर और उच्चारण में इस सिंदूर को बनाने की विशेष विधि का आपको आज यहाँ पर बता रहा हूँ। इसमें कई सारी चीज़ें डाली जाती हैं, कई सारी चीज़ें मिक्स की जाती हैं और हर चीज़ की ये विशेषता रहती है कि हर चीज़ सिद्ध की हुई होती है। सिद्ध की हुई का अर्थ ये होता है कि जिसने सिद्धियां प्राप्त कर ली हों केवल वही सिंदूर को बना सकता है, क्योंकि जितनी भी सामग्री, हर सामग्री को अलग अलग सिद्ध किया जाता है। हर सामग्री अलग अलग सिद्ध होने के कारण ये सिंदूर बहुत विशेष और ख़ास तासीर का होता है और इसकी मतलब सर्वोच्च कोटि का ये सिंदूर रहता है। और इससे छह प्रकार के तंत्र दूर भी किए जा सकते हैं, कोई बाधा विवाद परेशानी हो छह प्रकार के तंत्रों में से किसी भी प्रकार की, तो उसको ये हटाता भी है, दूर कर देता है और सारी समस्याओं को समाप्त कर देता है। और इसके अलावा आप इन छह प्रकार की चीज़ों का अगर प्रयोग करना चाहें, उपयोग करना चाहें, इस्तेमाल करना चाहें, तो ये वह उसे भी करता है। यानी कि आपके ऊपर हुए किसी प्रयोग को, यहाँ तक कि काला जादू, मारण, मूठ, चौकी, उच्चाटन, विद्वेषण, जरम्बण, सम्मोहन, मोहन, वशीकरण और सौमिक्रियाँ जो रहती हैं, शांति कर्म जो रहते हैं, या कुछ भी आप पे अगर गलत प्रयोग किसी ने कर दिया है, उसको ये तुरंत हटा देता है और इसको तुरंत से उड़ा देता है। और वो वापस उसको फिर वो बहुत बड़ा दंड प्राप्त होता है जिसने आपके ऊपर कोई प्रयोग किया हो। दूसरा इसका ये काम है कि आप स्वयं के लिए, छह कर्मों के लिए, जो तंत्र के छह कर्म हैं, तो चाहे वो चाटन हो, विद्वेषण हो, मारण हो, मोहन हो, सम्मोहन हो, वशीकरण हो, शांति कर्म हो, या जो है जरम्बण हो,
या विद्वेषण और उच्चाटन आदि जो भी कर्म किए आप अपने लिए इस्तेमाल करना चाहें, स्वयं के लिए, रक्षा के लिए और किसी पर असर डालने के लिए और उसे वो करने के लिए, तो उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ये एक दुर्लभ सिंदूर है, ये इसको बड़ी मुश्किल से, बड़ी साधना और बड़ी तपस्या और बड़ी सिद्धि के बाद ही बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें डाली गई हर सामग्री को सिद्ध कर किया जाता है, और सिद्ध वही कर सकता है जिसे दसों महाविद्याओं की साधना और सिद्धि प्राप्त हो, सिद्ध हो चुका हो। और दूसरा ये है कि इसके अतिरिक्त भगवान शंकर के जितने भी तंत्र हैं उनका विशेषज्ञ और वो सिद्ध हो, तब वह इस सिंदूर को बना सकता है, वरना बिना सिद्धि प्राप्त किए मनुष्य इस सिंदूर को नहीं बना सकते, न तैयार कर सकते हैं। बाजार में इस सिंदूर का दाम बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा है, और आप ये मान लीजिए कि लगभग 40,000 रुपये का मात्र आपको 100 ग्राम सिंदूर, यानी कि 20,000 का 50 ग्राम मात्र उपलब्ध हो पाएगा या हो सकता है। जो भी इस सिंदूर को बनाते हैं या इसकी विधि को जानते हैं या उन्होंने जो बनाया होगा उसमें इसका दाम इस हिसाब से, अभी आज की तारीख के हिसाब से जो भाव चल रहे हैं या जो, क्योंकि इसको बनाने में करीबन जो सिद्ध व्यक्ति होता है तो सिद्ध व्यक्ति को बाकायदा अनुष्ठान करके और पूरे उसके जरिए ही हर सामग्री को सिद्ध करके ही और फिर उसे मिला करके, फिर उस मिलाने के बाद में फिर उस पर मंत्रोच्चारण चलते हैं, लंबे मंत्रोच्चारण चलते हैं, उसके उपरांत ही ये सिंदूर तैयार किया जा सकता है। सिंदूर तैयार करते वक्त भी मंत्रोच्चारण आवश्यक होते हैं, और उसके अतिरिक्त जो है जब सिंदूर तैयार हो जाए उसके उपरांत फिर से मंत्रोच्चारण किए जाते हैं। तो इसमें दसों महाविद्याएं और शंकर जी के सारे तंत्र का, सारी तंत्र शक्ति का उपयोग प्रयोग किया जाता है। इसमें आपके हनुमान जी, भैरव जी, माँ का तो बता ही दिया दस महाविद्या, उसके अलावा सूर्य, गणेश जो पंचदेव हैं उनका सबका इसमें मंत्रोच्चारण चलता है वो। और इसको बनाना बहुत मतलब कठिन और लंबे समय का कार्य रहता है जब सिद्ध व्यक्ति बनाए तब, और जो साधारण रत हों वो इसको नहीं बनाए और न बना सकते हैं, न उन्हें बनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तासीर, बहुत तेज तासीर, बहुत तेज असर वाला सिंदूर रहता है। जितना भी यंत्र लेखन कार्य रहता है, यंत्र वगैरह बनाते हैं, तो उसमें अगर इस सिंदूर से कोई यंत्र को बनाया जाता है या इस सिंदूर को तिलक लगाया जाए माथे पर या टीका लगाया जाए और इसको जैसे शरीर में कहीं कोई समस्या है उस अंग पर इसका एक स्पर्श मात्र करा दिया जाए, छोटी सी बूंद रख दी जाए, तो वो पीड़ाएं तुरंत दूर होती हैं। और किसी दुश्मन को तकलीफ देना हो या उसको वो उसके काम भी आता है। तो हम आपको इस फिल्म में इस सिंदूर को बनाते हुए दिखा रहे हैं, और इस सिंदूर का उपयोग तो आप समझ ही गए, जान ही गए। तो अब आप जो है इस फिल्म को देखें और इस सिंदूर को बनाते हुए देखें, और फिर इस सिंदूर का दाम तो बहुत महंगा है और आसानी से उपलब्ध नहीं होता, दुर्लभ है ये कामिया सिंदूर। आपको एक बार मिल भी सकता है लेकिन कामिया इसमें चूंकि डाला जाता है, कामिया इसमें खुद मिला हुआ रहता है, कामिया सिंदूर मिक्स किया जाता है, इसके अलावा और जो तमाम चीज़ें डाली जाती हैं, कामिया सिंदूर भी वो सिद्ध करके बाकायदा उसको सिद्ध करना पड़ता है। कामिया सिंदूर को आप सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो डाली जाती हैं, सिद्ध होती हैं, सिद्ध की जाती हैं। तो अब आप इस फिल्म को देखें और इस सिंदूर को बनाने की विधि को देखें और उसका उपयोग करें, इस्तेमाल करें। आपको माँ भगवती और ईश्वर
और जितनी भी इसमें मंत्रोच्चारण आए हैं, जितने भी देवी देवताओं के, वो सब आपको लाभ दें और आपको सुख शांति समृद्धि और वशीकरण। जिन लोगों को यह कष्ट रहता है कि उनकी लोकप्रियता घट रही है या उनके चेहरे का तेज घट रहा है, वाणी का ओज घट रहा है, उनके लिए बहुत सर्वोत्तम है, मतलब उनको तो वो तुरंत से असर करने वाला चीज़। तो इसी के साथ में ही अब हम आपको इसकी विधि का बनाने का पूरा दिखाते हैं और आप इस वीडियो में इसको देखें। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। ओ